तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ, जो कि कनिष्ठ है 445 यूके पीएससी रिजल्ट की जानकारी लेकर। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी आपको कि 2300 पदों के रिजल्ट कब, तो मैंने आज बताया था, कल या आज बताया था मैंने कि आपका कनिष्ठ राय, कल बताया था मैंने, कल 20 तारीख को भी आ सकता और 21 को। लेकिन दोस्तों, अब छात्रों की गलती के कारण ये रिजल्ट आपके अब दिसंबर में आएगा। अब दिसंबर में कब आएगा, अब इसकी जानकारी मैं आपको अब 31 नवंबर को दूंगा। तो दोस्तों, ये देखिए पहले नोटिफिकेशन, इस कारण जो कि कनिष्ठ राय रिजल्ट में हो गई देरी। तो दोस्तों क्या है, तो एटा द्वारा सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 30 नवंबर 2022 के क्रम में दिनांक 12 सितंबर 2023 से 21 सितंबर तक आयोजित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने के क्रम में, जो कि वांछित अभिलेख सूची आयोग को वेबसाइट पीएससी यूके गवर्नमेंट इन पर उपलब्ध है। तो अभ्यर्थीगण विस्तृत विज्ञप्ति का अवलोकन कर वांछित अभिलेख दिनांक, जो कि ये देखिए 30 नवंबर तक, आप जो अब जो आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं, उत्तराखंड लोक सेवा द्वार के कार्यालय डाक द्वारा अथवा किसी भी माध्यम से या ईमेल आईडी पर जमा करने का सुनिश्चित करें। तो इस कारण यह रही थी दोस्तों, तो किन किन लोगों ने नहीं किया ये डॉक्यूमेंट, तो आइए देखते हैं इन लोगों की गलती। तो दोस्तों ये देखिए, ये थे वो लोग जिन्होंने जो कि डॉक्यूमेंट, जिस समय इन्होंने फॉर्म भरा होगा तो उस समय इन्होंने प्रकाशित विज्ञापन के दौरान इन्होंने ये अभ्यर्थी, ये जो कि है तो 12th पास थी, ये भर्ती पर लगाया था इन्होंने, किसी ने अपना बीए लगाया होगा, किसी ने बीएससी लगाया होगा, लेकिन बाद इन्होंने ये डॉक्यूमेंट वहाँ जमा नहीं किए। तो देखिए, इन प्रथम नाम है ललित मोहन भट्ट ने, इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आयु के आधार पर वर्ष 2000 के निर्धारित किए, तो ये इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने जो कि बीए का डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, इन्होंने बीए का नहीं लगाया। तो देखिए, किसी ने ये नहीं लगाया, इंटरमीडिएट का नहीं लगाए। तो देखिए इतने लोग हैं, ये देखिए इतने लोग, टोटल 93 आपके दिखेंगे, सॉरी 96 लोग हैं। तो जो आपके आस पड़ोस में होंगे कोई, तो इनसे यह गुजारिश है कि अब अपने जितने डॉक्यूमेंट आपके छूट रखे हैं लगाने के लिए, वो लगा दें, क्योंकि अन्यथा इनकी वजह से, इन 96 लोगों की वजह से, आपको पता होगा कि 300 आपके 345 बच्चों को, 349 बच्चों को रिजल्ट का वेट करना पड़ रहा है। तो मैं इन सभी लोगों से, ये आपके अड़ोस पड़ोस हों या आपके भाई लोग हों कनिष्ठ सहायक पाए, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजें और ये जल्दी से जल्दी 31 नवंबर तक ये रिजल्ट, ये जितने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए इन्होंने, तो ये डॉक्यूमेंट जो कि लगाएँ और जल्दी से जल्दी करें। तो दोस्तों, इस कारण जो कि आज नहीं आ पाएगा, अब दोस्तों आज नहीं आएगा रिजल्ट, अब आपको कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। दिसंबर में कब देखने को मिलेगा, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि 31 दिसंबर को, क्योंकि दोस्तों लग नहीं रहा कि अब 1 दिसंबर को आएगा, अब 10-12 दिसंबर तक चांसेस है, लेकिन मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इस रिजल्ट ने आ जाना था, लेकिन इनकी वो लापरवाही के कारण यह रिजल्ट आज नहीं आ पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।